السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم اسٹارٹ کریں گے آج ہسٹری بایولوجی چیپٹر نمبر 4، سوری چیپٹر نمبر 8 ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں آج، ٹھیک ہے بیٹا جی. چیپٹر کا نیم ہے کنگڈم فنجائی، ٹھیک ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. چیپٹر نمبر 8 کنگڈم فنجائی. تو بیٹا جی کنگڈم فنجائی جو ہے اس کو نہ پلانٹس میں رکھا ہے نہ اینیمل میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو علیحدہ سے اسٹڈی کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کنگڈم فنجائی میں اینیمل کے ملتے جلتے بھی کریکٹرس ہیں اور پلانٹس سے ملتے جلتے بھی کریکٹرس ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے اس کو علیحدہ سے کنگڈم میں رکھ دیا. ڈفرنٹ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے. تقریباً جو ہے وہ سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ تقریباً 1,00,000 اسپیشیز ہیں اس کی جو کہ فنجائی کی اسٹڈی کی گئی ہے راؤنڈ اباؤٹ، ٹھیک ہے. اور اس میں ڈفرنٹ جو ہے نا وہ اسٹڈیز کی جاتی ہے، جیسا کہ مشروم، ٹرفلس، مورلز وغیرہ جو ہے نا وہ اسٹڈی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہم بولتے ہیں کہ کتنی تقریباً 1,00,000 اسپیشیز، ٹھیک ہے. اسپیشیز 1,00,000 اسپیشیز کتنی ہے تقریباً اس کی اسٹڈی کی گئی، وہ ہے تقریباً 1,00,000 اسٹڈی کی گئی ہے اس کی اسپیشیز، ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم بولتے ہیں کہ ہم کس چیز کی اسٹڈی کریں گے، مشروم، ٹھیک ہے، جس میں مائسیلیم یا مائکوپلانٹ ہوتے ہیں. پھر ہم بولتے ہیں مورلز، ہم اس میں مورلز کی بات کریں گے. پھر ٹرفلز، ٹھیک ہے. تو بیٹا جی پلانٹس کے ساتھ اس کی کون سی ریزیمبلنس ہے فنگس کی؟ ہم بولتے فنجائی ہے وہ پلانٹس کے ساتھ ریزیمبل کس کس بیس پہ کرتی ہے. تو بیٹا بتاتے کہ نمبر 1 سملیرٹیز جو ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے. ہم لکھتے ہیں لیک آف سینٹریولز، لیک آف سینٹریولز، کس میں سینٹریولز نہیں ہوتے. دوسرا پھر ہم بتاتے ہیں کہ اس میں لیک آف، یعنی لیک آف سیلولوز، لیک آف سیلولوز، اس میں سیلولوز بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو نمبر 3 پہ ہم بتاتے ہیں نان موٹائل، نان موٹائل، موٹائل کہ یہ بھی موٹائل نہیں ہے، حرکت نہیں کرتے. ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ جو پلانٹ ہے وہ سینٹریول نہیں ہے، پلانٹ میں یہ ریزیمبلنس جو ہے
जेबलस, तो लैक ऑफ सेलुलोज, इसमें सेलुलोज नहीं होता, लेकिन इसमें सेलुलोज की जगह पे क्या मौजूद होता है, काइटन, काइटन होती है, ठीक है, ये इसमें क्या मौजूद होता है, काइटन होती है, सेलुलोज नहीं होता। तो इसका मतलब है कि रिजेबलस जो है वो उसमें अगर सेलुलोज को मैंने एक्सेप्ट किया है, काइटन का लिखा है, तो फिर बताएंगे कि इसमें सेल वॉल होती है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट में सेल वॉल मौजूद होती है, उसमें भी सेल वॉल मौजूद है, ये प्रेजेंस आ गई इसकी एनिमल में प्लांट के साथ। अब मैं इसके साथ देखता हूँ रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस विद, रिजेम्बलेंस विद एनिमल्स। अब एनिमल्स के साथ जो है इसकी कौन सी रिजेम्बलेंस होती है, पहली बात इसकी रिजेम्बलेंस की जब करते हैं तो बेटा जी हम बताते हैं कि फंजाई क्या है, बेटा जी फंजाई हेटरोट्रोफ है, हेटरोट्रोफ फंजाई हेटरोट्रोफ है, इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। फिर हम दूसरा बताते हैं कि प्रेजेंस ऑफ, फिर हम नंबर टू पे बताते हैं प्रेजेंस ऑफ काइटन, काइटन। अब इसमें काइटन की प्रेजेंस को आप कैसे बताएंगे बेटा जी, काइटन जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटन का बना होता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक्सोस्केलेटन ऑफ, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड्स का जो स्केलेटन है वो इसका बना हुआ होता है। अब इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो मैंने आपको बताया कि अब्सॉर्प्टिव है, अब्सॉर्प्टिव, अब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें जो है वो स्टडी की जाती है, ठीक है। और इसमें बेटा जी एक और इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है आपके बुक पे कि इसमें न्यूक्लियर माइटोसिस होती है, ठीक है, न्यूक्लियर माइटोसिस। उसको आ रहा है कि व्हाट इज न्यूक्लियर, न्यूक्लियर माइटोसिस, माइटोसिस, ठीक है, न्यूक्लियर माइटोसिस क्या है। तो बेटा जी ये जो क्वेश्चन आता है इसका आंसर आपको बताना है कि जब उसमें सेल के अंदर, इसमें बताते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म, आर फॉर्म, ठीक है, विदाउट ब्रेकेज ऑफ, विदाउट ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हम बताते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं विदाउट ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती नहीं है, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते होते हैं, और उसके डायग्राम यहाँ पर सलाह दे सकते हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे कि जो स्पिंडल फाइबर्स वगैरह होंगे इसमें अगर क्रोमोसोम्स हैं, इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होती, ठीक है, धागे वगैरह इसमें बन जाते हैं लेकिन मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर नहीं होती, ठीक है। तो इसको आप यही वजह बताते हैं आप कि जो इसके रिजेम्बलेंस से मिलती जुलती है, इसके रिजेम्बलेंस एनिमल से भी मिलती जुलती है, ठीक है। और जो आम माइटोसिस का कॉन्सेप्ट होता है उसमें बेटा जी जब स्पिंडल फाइबर बनते हैं ना और क्रोमोसोम बनते हैं तो उस वक्त जो मेम्ब्रेन होती है वो गायब हो जाती है, ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन गायब नहीं होती, तो ये न्यूक्लियर माइटोसिस कहलाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपकी प्लांट से मुख्तलफ है। अब आगे हम एक और बात करते हैं, जब आपका आगे बॉडी ऑफ द फंगस क्या है, तो बेटा जी बॉडी ऑफ द फंगस में हम जिक्र करते हैं कि बॉडी ऑफ द फंगस, बताते हैं कि बॉडी
बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। अब माइसीलियम में बेटा जी हम दो बातें पढ़ते हैं, हमें कहते हैं कि माइसीलियम जो है हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर सिलेंडर, ठीक है। कौन सी स्ट्रक्चर है जी इसमें? ट्यूबुलर सिलेंडर, सिलेंडर और फिलामेंट, फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, सिलेंडर होती है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है। और उसका भी हमने नाम क्या रखा है? हमने उसका नाम रखा हाइफी, ठीक है जी। हमने इसका नाम रखा है जी हाइफी, ठीक है हाइफी, हाइफी, ठीक है। सिंगल इसको आप बोलेंगे हाइफा, ठीक है। इसका जो सिंगल है वो आप उसको बोलेंगे हाइफा, ठीक है। ये सिंगल इसका हाइफा, ठीक है। और बेटा ये हाइफा जो है वो दो तरह से हो सकते हैं, ये या तो ये सेपरेट हो सकते हैं, सेपरेट, ठीक है, या फिर ये सिनोसेटिक हो सकते हैं, सिनोसेटिक, ठीक है, यानी एसेप्टेट, सेप्टेट हो सकते हैं या फिर सिनोसेटिक यानी एसेप्टेट। सेप्टेट में बेटा जी आप बताते हैं कि अगर इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है इसकी, ये हमने इसका जो है ना वो बॉडी ऑफ माइसीलियम को स्टडी किया, ये बॉडी ऑफ माइसीलियम है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखे हम, तो बड़ा करके हमने देखा तो ये हमने इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से निकल रहे हैं, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर इस तरह से। फिर हमने इसके इसके ऊपर बड़ा करके जब हमने देखा तो हमने ये ऐसे कर रहे हैं इस तरह से, ये चीज़ कर रहे हैं, ये ऐसे बहुत सारे न्यूनेस लग रहे हैं इसमें, ठीक है। और ये इसमें दरम्यान में सेप्टा बना हुआ था ऐसा, ठीक है, सेप्टा बना हुआ था, ये हमने कहा सेप्टेट है। और सेप्टेट में ये स्ट्रक्चर इस तरह से भी हमने लगाई, ये वाली चीज, ठीक है, दो न्यूक्लियस, फिर दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, तो ये डाइकैरियोटिक है, ठीक है। तो सिनोसिटिक में हम यहाँ पर बात करते हैं जिसको बोलते हैं नॉन सेप्टेट या ए सेप्टेट, ए सेप्टेट, इसमें सेप्टा नहीं होता। तो बेटा जी इसी चीज को तो हम सेप्टा बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये, इसको बोलते हैं सेप्टा, ठीक है। ये क्रॉस लाइन है, दरम्यान में न्यूक्लियस है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ए सेप्टेट में क्या होता है? ए सेप्टेट में ये स्ट्रक्चर किस तरह से? ए सेप्टेट इसमें न्यूक्लियस जो है वो ऐसे ही खुल रहे होते हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं एसेप्टेट, ठीक है। और ये सिनोसिटिक हम इसको बोलते हैं, यानी क्रॉस वॉल इसमें नहीं होती। और बेटा जी ये जो है ये दरम्यान में आगे क्रॉस वॉल होती है, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे दरम्यान में स्वाग से होते हैं क्या, ये वाला स्वाग, ये स्वाग साइटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग उनके फ्लो के लिए, ग्रोथ के लिए जो है वो यूज होते हैं, मूव करने के लिए जो है हेल्प कर रहे हैं, ठीक है।